चलो आइए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। जी हाँ, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स खास तौर से मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर 10 जो हम यहाँ डिस्कस करें, कंप्लायंस या गवर्नेंस कंप्लायंस रिस्क, आप लोगों में से जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था उस वाले पार्ट को, पहले मैंने डिस्कस किया थोड़ा बहुत, लेकिन खैर कोई नहीं, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से। कंप्लायंस रिस्क ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, आप लोगों के लिए अवेलेबल है वो, ठीक है। हम यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ फटाफट से, याद रखिएगा यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, और कहीं ना कहीं प्रोबेबल हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या है ये कॉन्सेप्ट्स, आइए फटाक से देखते हैं। पहला हम यहाँ पे, अब देखो बड़ी हंसी की बात है, मैं यहाँ पर वापस आपको बता रहा हूँ कंप्लायंस बेसिकली होता क्या है। कंप्लायंस एक कन्फर्मिटी है, कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन किस चीज़ की कन्फर्मेशन होती है कि कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अगर ऑब्लिगेशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, उनके साथ में क्या कर लिया है, कंपाइल किया है, ठीक है, उनके साथ कंपाइल किया है, क्या हो रहा है एकदम। तो इस बात की कन्फर्मिटी कैसे होगी, कंप्लायंस थ्रू। और जब ये प्रॉपरली कंप्लायंस होंगे तो कंप्लायंस दो तरह के होंगे, एक होगा एक्सटर्नल कंप्लायंस एंड इंटरनल कंप्लायंस। बोलो मेरे साथ में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल बोलो सर, ओ बोलो 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 बोलो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंप्लायंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंप्लायंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंप्लायंस। सर एक्सटर्नल इंटरनल कंप्लायंस मतलब, एक्सटर्नल कंप्लायंस की अगर बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो कि लॉज हैं बाय गवर्नमेंट या जो स्पेसिफिक रेगुलेटर है, रेगुलेटर है वो बना रहा है, कौन बना रहा है, गवर्नमेंट या रेगुलेटर बना रहा है, जो कंसर्न रेगुलेटर है, लॉज हैं, रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है एकदम। और जब इंटरनल बोलते हैं तो जैसे कंपनी की पॉलिसीज हो गई, कंपनी की पॉलिसीज क्या हो सकती है, इंटरनल पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हो सकती हैं, एग्रीमेंट्स को लेके हो सकती हैं, कंपनी की खुद की इंटरनल पॉलिसीज हैं, ऑलराइट। तो वहां पर हम दोनों की जैसे प्रोसीजर क्या होंगे वो इंटरनल पॉलिसीज कंपनी ने बनाया हुआ है, तो दोनों को ही कंपाइल करना होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सटर्नल कंप्लायंसेस मैंडेटरी इन नेचर होते हैं और इंटरनल कंप्लायंसेस वॉलंटरी इन नेचर होते हैं। एक्सटर्नल कंप्लायंसेस मैंडेटरी क्यों है, अगर आप एक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, और आप मान लीजिएगा लाइक एग्जांपल ऑफ इट जैसे हमने पहले लिया था, बैंकिंग है, आप कौन है, बैंकिंग बिजनेस करती है, तो अगर आपको आरबीआई के, ऑफ कोर्स आरबीआई के एक्ट, याद रखिए आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जो आरबीआई नोटिफिकेशन बताया टाइम टाइम उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, पेनल्टीज लगेगा, ठीक है, लॉ सूट्स भी होंगे ऑफ कोर्स। वहीं पर इंटरनल बैंकिंग की इंटरनल पॉलिसीज हैं, ठीक है, जैसे कस्टमर ग्रेवेंसेस के लिए मान लीजिएगा बता तो रखा है प्रोसीजर, ऑफ कोर्स ओम्बड्समैन ने बता रखा है कि ठीक है कस्टमर ग्रेवेंसेस डायरेक्टली थोड़ा जाएगी कस्टमर ग्रेवेंस के पास में। बैंक अपनी ही एक इंटरनल पॉलिसी बनाता है कि अगर कोई जैसे मान लीजिएगा आरबीआई कहता है कि कस्टमर के ग्रेवेंसेस आपको रेड्रेस करने हैं फॉर एग्जांपल 7 डेज के अंदर, तो कंपनी ने अपनी इंटरनल पॉलिसी बना रखी है नहीं हम लोग 5 डेज के अंदर करके देंगे, ये बेटर है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर मान लीजिएगा कोई कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, तब वो क्या हो जाता है, उसके लिए ऑब्लिगेशन बनता है, ठीक है। सो यहां अगर हम ध्यान से बोलने की कोशिश करें तो जो हमारे पास दो तरह के नेचर के कंप्लायंसेस हैं, एक एक्सटर्नल कंप्लायंस है और एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब यहां पर वो कंप्लायंसेस हैं जो कि मैंडेटरी इन नेचर हैं और इंटरनल कंप्लायंसेस वॉलंटरी इन नेचर हैं। बट जैसे ही मान लीजिएगा कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, उसी के बाद फिर वो कैसा हो जाता है, मैंडेटरी इन नेचर। ऑफ कोर्स मैंडेटरी क्यों जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे करने पड़ेंगे। इसी सेशन में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, याद रखिएगा आप लोग ध्यान सुनेगा, यही सेशन में डिस्कस करेंगे कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तीन टॉपिक को एक साथ मिलाकर बोलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर अलग अलग उनको समझाऊंगा, ठीक है। तो कंप्लायंस बेसिकली क्या है, देखो आओ इसी पॉइंट को सिर्फ जो हाईलाइट किया हुआ है इसको अपने मॉड्यूल में जरूर ध्यान से देखो। अरे आगे तो है इंट्रोडक्शन में, देखो आप लोग देखिएगा बेटा मॉड्यूल में आइएगा, कंप्लायंस जर्नल इन द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस, जरा स्क्रीन पे देखिएगा, प्रोसेस थ्रू विच बिजनेसेस शोकेस दैट दे हैव कंफर्ड, क्या कंफर्म करते हैं, दे हैव कंफर्ड टू द रिक्वायरमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस पॉलिसीज लॉज, दे हैव कंफर्म द रिक्वायरमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिसीज में बताया गया, रेगुलेशंस में बताया गया, लॉज में बताया, उसे पूरा किया है। इसी बात को तो इंश्योर क्या कर रहा है, कंप्लायंस, ऑलराइट। Adherence not only include the state laws but also internal policies. State law का मतलब यहाँ कोई government या state government की बात नहीं कर रहा है, state law का मतलब है जो authority है, authority कौन है यहाँ पे, हम यहाँ authority refer कर रहे हैं government को, ठीक है। तो central या state laws जो हैं दोनों को, यहाँ state का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर government से लेना है, जो government laws बनाती है, कहाँ बनाती है, parliament या state legislature में ना, state assemblies, तो उन लॉज को भी साथ साथ में इंटरनल पॉलिसीज भी, एंड प्रोसीजर। इंटरनल पॉलिसीज कौन ड्राफ्ट करेगी, कंपनी खुद बनाती है अपनी इंटरनल पॉलिसीज, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ठीक है, ये कंपनी खुद की पॉलिसीज होती हैं,
क्या हो रहा है, एंड तो दोनों ही बातें पूरी करनी है। कंप्लायंस क्या इंश्योर करता है, कंप्लायंस इंश्योर ये करता है कि कंपनी जो कि रिक्वायरमेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, पॉलिसी हैं, लॉज हैं, इनको फुलफिल कर रहा है। बाय एनफोर्सिंग द कंप्लायंस कंपनी कैन प्रिवेंट एंड डिडक्ट वायलेशन ऑफ लॉज। पता लग जाएगा ना, जब कंप्लायंसेस करोगे तो आप प्रिवेंट कैसे कर पाओगे कि ये नॉन कंप्लायंस होने वाला है, ड्यू डेट से पहले पहले काम कर लेना है, जैसे एजीएम ड्यू डेट से पहले कर लेना है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू डेट से पहले फाइल कर देना है, ऑल्टर की फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑल्टर या फर्स्ट ऑल्टर की अपॉइंटमेंट करें ना, फर्स्ट टाइम जब अपॉइंट करते हैं तो उस ड्यूरेशन से पहले कर लेना है, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है, कोई डाउट? तो दोनों काम होगा, कंप्लायंस आपको हेल्प किसमें करेगा, प्रिवेंट भी करेगा एंड डिटेक्ट करेगा, अगर कहीं नॉन कंप्लायंस हो गया है तो उसे डिटेक्ट करेगा, और अगर आप नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू करते हैं तो फिर पेनल्टीज झेलो, एंड विच सब्सिक्वेंटली प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फ्रॉम फाइन्स एंड लॉसूट्स, ठीक है। अब ये देखो, यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज है, इट इज वेरी चैलेंजिंग टू फॉलो ईच लॉ एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, बट नॉट ऑबिंग टू दीज लॉज मे ऑल्सो रिजल्ट इन मिसिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट कम अलॉन्ग। कहता है अगर आप देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप हर एक कानून के साथ में कंपाइल कर सकें, ठीक है, हर एक लॉ को फॉलो कर सकें, बहुत डिफिकल्ट है, बट जरूरी क्या है कि आप उनको फॉलो करें, नहीं करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। लेट्स एक एग्जांपल ऑफ इट, आपको कंपनी बनाया आपने और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, आप सुन रहे हैं, ऐसे बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ना, लाइसेंस के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है, पॉल्यूशन सारा टेस्ट होगा, हर एक चीज की स्पेसिफिकेशन डिफाइन की जाएगी, आप कितनी जैसे जितना जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो डिसाइड किया जाएगा, ये सारी चीजें क्या है आपको पूरी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऑफकोर्स आपके लिए डिफिकल्टी रेज हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी डू बिजनेस और कैरी ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बट इफ यू डू नॉट कंपाइल विद द लॉ देन यू कैन लूज दिस ऑफकोर्स दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफकोर्स यू मे लूज दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट लाइसेंसिंग यू कैन नॉट रन योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या हो रहा है, तो डाउट, सो ये एक बार रीड करना है, सो यही समझा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, नीड एंड ऑब्लिगेशन, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनना, लंबा सेशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये जो पार्ट रह गया था, अरे आपके लिए नहीं कर रहा हूं बेटा, सुन लोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए नहीं है तो इन लोगों के लिए तो है, और आप लोगों के लिए भी है, ऑलराइट। सो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन कहता है, देखो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स अदर इंटरेस्टेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू और चूज टू अडॉप्ट, हैज टू एंड चूज टू अडॉप्ट, हैज टू एंड चूज टू अडॉप्ट, थोड़ा ग्रामर के साथ खेलते हैं, हैज टू मतलब अगर मान लीजिएगा पब्लिक अथॉरिटीज ने, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, कोई बैंकिंग कंपनी उसके लिए आरबीआई हो गया, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए सेबी हो गया, पब्लिक अथॉरिटी से सेंस में, ठीक है, या हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिएगा कोई ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस में तो आईआरडीए बता रहा है उसको, तो अब आरबीआई आरडीए आईआरडीए या सेबी एज द केस मे बी, जिसमें जो फिट हो रहा होगा जिस कंपनी के अकॉर्डिंग ना, जो जिसका नेचर है बिजनेस का, अब उनके लिए ये कैसा हो जाएगा मैंडेटरी कि अगर सेबी ने, ठीक है, या आरबीआई ने, जो पब्लिक अथॉरिटीज में बता रही, उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, तो हैज टू समझ में आया, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, चूज टू कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं करना है, किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है ये आपका मर्जी है, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया देन ये ऑब्लिगेशन बन जाएगा। दोनों में फर्क समझ आ रहा है, ऑब्लिगेशन कब बन रहा है, जब आप यहां पर वॉलंटरी नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड साथ में रॉ मेटेरियल परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई नहीं है, अगर होती है तो ये चूज कर रही है, और अगर चूज कर लिया इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसे फिर उन ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन से पेमेंट सैम पे करना, ठीक है, दूसरी कंपनी को टाइमली डिलीवर करना गुड्स को, रॉ मेटेरियल्स को, तो ये बाद में ऑब्लिगेशन बन जाएगा, तो कंप्लायंसेस इस नेचर में भी होगा। अब ऑब्लिगेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे एनजीओ के ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप कम्युनिटी साथ में हो सकता है, आपने देखा होगा, आप जान लीजिएगा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, हाँ, तो हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है लोगों की, तो ऐसी कम्युनिटी जहाँ अफकोर्स आप ऐसा नहीं बनाएंगे, जो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए जो तो लोगों की हेल्थ को यू नो इफेक्ट करे, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे,
कम्युनिटी ग्रुप का मतलब यहां पर इन सेंस में कह रहा है जो ऐसी यू नो व्हाट जो एनजीओस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, एग्रीमेंट विद कम्युनिटी ग्रुप्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रही है, बट अगर देखा जाए तो बिजनेस की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी भी तो है, बात पकड़ में आ रहा है, टुवर्ड्स द सोसाइटी भी तो है, तो वो भी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एनजीओस और कम्युनिटी ग्रुप्स, ठीक है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पता लगा वेस्ट सारा सारा जो पानी में डालाते हो और वो पानी लोग कंज्यूम करते हैं, आप कूड़ा जला देते हो जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो आपका आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आप ऐसी चीजें ना करें, जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उसे ही फॉलो करें। एग्रीमेंट विद पब्लिक अथॉरिटीज और कस्टमर्स, पब्लिक अथॉरिटीज जैसे एग्जाम्पल ये आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और भी कई सारी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू बताई गई, जैसे एमसीए आपके लिए फेवरेट हो गया, लो खुश एमसीए, ठीक है, सो ऐसी अथॉरिटीज इनके साथ भी तो आपका ऑब्लिगेशन बनता है, बंगड़ में आ रहा है, ये नोटिफिकेशन बताएंगे तो आपको कंपाइल करना ऑब्लिगेशन है, हैज टू, चूज टू नहीं है, मेरा मर्जी है, देख लेंगे, अरे नहीं करना पड़ेगा, तुम पे अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, अब कोई कंपनी बनाते हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी बना रहा तो उसके लिए मिनिमम डायरेक्ट अगर रिक्वायरमेंट पूरा करो, या अगर बोर्ड मीटिंग का रिक्वायरमेंट पूरा करो, क्लियर हो रहा है, नोटिस सेंड कर रहे हो तो नोटिस सेंड कर रहे हो, मिनट्स प्रिपेयर करो, मिनट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करो, मतलब वो रिक्वायरमेंट्स पूरा करना, तो वो एक तरीके से हम देखेंगे, एक दो दो एस्पेक्ट्स में समझेंगे, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, फिर कहता है वॉलंटरी प्रिंसिपल और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। वॉलंटरी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज को ड्राफ्ट करते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिएगा कंपनी के अंदर एम्प्लॉय अपने किसी ग्रीवेंसेस को रखना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर फॉरम होना चाहिए जो अपनी ग्रीवेंसेस को रख सके, अपनी बात को रख सके, ठीक है, अगर वो लीव एनकैशमेंट का प्रोसीजर है तो वो कंपनी ने उसके लिए कैसे ड्राफ्ट की स्कीम उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर कह रहे हैं वॉलंटरी प्रिंसिपल्स और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। फिर कहता है ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स विद ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी से मैंने बताया कंपनी ए लिमिटेड बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल Obligations उसके बनेंगे, अगर वो फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा, लॉसूट होगा, उसके ऊपर केस फाइल हो जाएगा, पर ऑफ कोर्स रेपुटेशन डिस्टर्ब होगा, बात पकड़ में आ रहा है। एंड लास्ट वन इज रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जैसे हमने यहाँ पे बात किया, अगर आरबीआई है, सेबी है, आईआरडी है, ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल करना होगा, तो ये क्या हो गया कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। कौन कौन से हो सकते हैं, एप्लीकेशन विद द एग्रीमेंट विद द एनजीओस या कम्युनिटी ग्रुप, दूसरा कौन सा हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज या कस्टमर साथ में हो सकता है, ठीक है, बोलो बेटा, बोलने से याद होगा, आप लोग भी सुनो, बोलोगे ना तब याद होगा, बोलो समझो याद करो, बोलो समझो याद करो, अच्छे से क्लियर है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है सर, वॉलंटरी और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है सर इसके अलावा, जो हम लोग, हाँ कौन सा वाला बताऊं बेटा, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, अगर ऐसे ऑब्लिगेशन किसी पार्टी के साथ, मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि कंपनी अपना रॉ मटेरियल परचेस कर रही है किसी कंपनी से, तो क्या कर रही है यहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो रही है, तो ये चूज टू क्यों हो जाएगा, यहाँ पर मर्जी है ना, आप इस मेंटर होना चाहते हो नहीं होना चाहते हो, अगर हो गए तो ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, ये थोड़ा ना बिना कॉन्ट्रैक्ट किए ही आपका ऑब्लिगेशन बन जाएगा, इसलिए बोल रहे चूज टू, जो कंपनी खुद भी चूज कर रहा है, क्लियर। चलिए रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, अब देखिए ट्राई का एग्जांपल दिया, कोल अगर इंडस्ट्री तो उसके लिए डिफरेंट होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अलग होगा, बैंकिंग के लिए अलग होगा, क्या हो रहा है, कोई डाउट, चलिए अब देखिए आगे ऑप्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी इसका, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन मे बी मैंडेटरी, मतलब एक्ट्स एंड रेगुलेशंस मैंडेटरी नेचर हो गया, वॉलंटरी कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, एग्रीमेंट्स, इवन एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, ये सब क्या हो जाएगा, वॉलंटरी। वॉलंटरी कब तक वॉलंटरी है, जब तक आप उसे चूज नहीं कर लेते हैं, वंस यू ऑप्टेड आउट, अगर एक बार आपने चूज कर लिया देन क्या हो जाएगा, कंपल्सरी, फिर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल नहीं कर रहे हो, फिर मैंडेटरी हो गया ना, देखो वॉलंटरी नहीं टेकिंग, पहले एक बार वापस बोलो, बोलो आपने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर, ये वाला पार्ट सुन लिया था ना पहले, क्यों हमने अटेंड नहीं किया था क्या, फिर बताओ मैंडेटरी फटाफट से,
मैंडेटरी 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 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस यार, एक्ट्स एंड रेगुलेशन। हाँ गुड, आगे बोलो। वॉलंटरी में कौन सा करता है? वॉलंटरी में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू अगर अराइज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कंपनी की खुद की प्रैक्टिस है, इंटरनल पॉलिसीज हैं कंपनीज की, उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए ना, वॉलंटरी अंडरटेकिंग बिकम्स अ कंपलसरी ऑब्लिगेशन, हाईलाइट करना चाहिए, वंस एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू अडॉप्ट देम। क्या कह रहा है? यही ऑब्लिगेशन कब बन जाए कंप्लायंस ऑब्लिगेशन? जब एक बार अपने कर लिए पूरे, मतलब एंटर हो गए कॉन्ट्रैक्ट में, एंटर हो गए वॉलंटरी, तब क्या हो गया वो इन द नेचर ऑफ मैंडेटरी, फिर पूरा ही करना पड़ेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू टेक हायर लेवल लुक एट दियर कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस व्हिच इंक्लूड्स बोथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड वॉलंटरी कमिटमेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद द कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। अब ये भी हमको देखना पड़ेगा, जिसलिए मैं तुमको इससे पहले वाला सेशन जो किए हुए हैं उसमें ये डिस्कस किए थे, कंप्लायंस रिस्क। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं, अगर इन, अब इसमें देखना पड़ेगा कि अगर इनके कंप्लायंसेस वॉलंटरी है, चाहे वो रेगुलेटरी है, वॉलंटरी कमिटमेंट्स अगर पूरे नहीं किए जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब कंप्लायंस रिस्क। और कंप्लायंस रिस्क क्या हो सकता है? फाइनेंशियल फॉरफीचर, मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस का मतलब समझते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया, आपने पूरा नहीं किया तो आपको लॉस होने वाला है। फाइनेंशियल फॉरफीचर हो सकता है आपके, आप मान लीजिएगा आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कहा आपने कंप्लायंसेस, प्रॉपर कंप्लायंसेस नहीं किए, गवर्नमेंट ने बोला जब्त कर लो उसका प्रॉपर्टी, ले लो, गया काम से, लीगल पेनल्टीज इंपोज कर जाएंगी। मतलब लीगल पेनल्टीज तो होती होती साथ में, और फॉरफीचर अलग हो जाता है। क्लियर है? इतना खतरनाक होता है। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी कि आपको ये बात बताई जाए, एंड आपको भी अच्छे से समझना है नीड फॉर कंप्लायंसेस। फटाफट समझते हैं क्या जरूरत है हमें कंप्लायंसेस की, क्यों भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देगा, आपके लिए बेस्ट एम्प्लॉय आपके लिए कंपनी में रिटेन करके रखेगा, कंपेटिटिव एडवांटेजेस मिलेंगी, लीगल जो पेनल्टीज है वो खत्म हो जाएंगी, खत्म का मतलब बहुत ही कम हो जाएंगी। अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो ऑफकोर्स होगी पेनल्टीज, अदरवाइज नहीं होंगे तो फिर वो इवन पब्लिक इमेज अच्छी बन जाती है कंपनी की। ये सारे अच्छा, ये रटने वाले नहीं है चीजें यहाँ ना, आप सोच रहे हो रट के मार के जाएंगे, रटा हो जाएगा, अच्छा नहीं, समझने वाली चीजें हैं। जैसे खुद देखो, अब देखो ये क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से, नीड फॉर कंप्लायंस वापस बता दूं, फिर बाद में ना कहना कि सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही बन जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। अ टाइमली कंप्लायंस विद ऑल रिलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस और पॉलिसीज एंड कैन बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग थिंग्स रनिंग स्मूथली, रिड्यूसिंग फाइंस पेनल्टीज एंड ऑल्सो मेंटेनिंग इट्स पोजिशन इन द इंडस्ट्री। In the light of the statement, you are required to discuss needs for the compliances. और इसका different mode में पूछ सकता है, यहाँ पर आके बोल सकता है comment. तो question को judge करना सीखेगा। क्या कह रहा है? Timely compliance with all laws, regulations, policies can benefit the organization by keeping things running smoothly and reducing fine penalties. Also maintaining its position in the industry. क्या होगा benefits? कहता है benefits क्या क्या होंगे? Need याद रखिएगा, जब need को हम समझ रहे हैं यहाँ पे, हायर एम्प्लॉय रिटेंशन, क्योंकि जिन कंपनीज में नॉन कंप्लायंस होता है, सोच के देखिएगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश करें, ठीक है, लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है। जैसे अगर हम किंग फिशर का एग्जाम्पल लेते हैं, वीजा मान लगे, मान लीजिएगा कंपनी के अंदर उनका घोटाला जब पकड़ा गया, ठीक है, तो हम वीजा मान लगा कंपनी तो नहीं बोलेंगे बेटा, पब्लिक कंपनी है ना, एक तरीके से अगर सेंस में कहना चाहें तो, जो भी हम बोलेंगे, अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी तो पब्लिक कंपनी हुआ, ठीक है, पब्लिक का मतलब वहां पे ऑनरशिप जो है वो स्पेसिफिक पर्सन का नहीं है। सो ध्यान सुनिएगा, तो हायर रिटेंशन कब होगा? जब मान लीजिएगा कोई कंपनी है जिसकी इमेज डिस्टर्ब नहीं, और इमेज डिस्टर्ब कब होगी? जब वो नॉन कंप्लायंसेस बहुत करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स फेल हो जाती है फुलफिल करने में, लीगल कंप्लायंसेस टाइमली करती नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसका इमेज डिस्टर्ब होगा। जिसका इमेज डिस्टर्ब होगा उसके साथ एम्प्लॉयज काम करेगा क्या? अफकोर्स नॉट। तो रिटेन कर पाएंगे आप एम्प्लॉयज को? नहीं, अच्छे एम्प्लॉयज आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कंप्लायंसेस प्रॉपरली होंगे तो क्या होगा? हायर एम्प्लॉयज रिटेंशन होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा। एम्प्लॉयज हैव अ टेंडेंसी टू स्विच द वर्कप्लेस इफ दे फाइंड एनी कंप्लेंट्स और इश्यूज वर्किंग इन अ प्रेजेंट एनवायरनमेंट। इफेक्टिव इंटरनल कंप्लायंस हाईलाइट कर लो अच्छे से। इफेक्टिव इंटरनल कंप्लायंस अगर होगा तो ऑफकोर्स रिटेंशन बढ़ेगा। इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड कॉम्पनसेशन। अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट वर्क इज डेवलप्ड। इफेक्टिव इंटरनल कंप्लायंस अगर होगी, स्ट्रेटजीज फॉलो करेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा, वर्किंग एनवायरमेंट। एंड दिस पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट अट्रैक्ट्स द एम्प्लॉय टू वर्क एंड ऐड टू वैल्यूज। लाइक द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस ऐसी कंपनी है, लोग ना काम करना चाहते हैं दौड़ के साथ में। गूगल आपका इंडिया के अंदर जो है उसके अंदर साथ कंपनीज करना काम करना चाहते हैं। टाटा सन्स के साथ लोग काम करना चाहते हैं। क्यों? बेस्ट कंप्लायंट कंपनीज, अच्छी एक इमेज मार्केट में इनकी। क्लियर एकदम? रिड्यूस लीगल चार्जेस। अब लॉजिकली सोच के देखो, जब पेनल्टीज नहीं लगेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा?
No business wants to suffer the result of non-compiling with the various laws and regulations. Compiling with those laws will decrease the risk of fines. Of course, ab, तो आपका क्या होगा? Fines कम लगेंगे आपके ऊपर. Penalties, lawsuits also shut down the business. आपको पता है ना, business बंद करा देते हैं. जो मैं कल आपको बता रहा था last वाले section के अंदर, कि नोएडा के अंदर क्या हुआ? Proper building गिरा दिया. मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ प्रमोट करने बैठूँ? सबको अच्छे से पता है, हिंट से ही पता है ना. हाँ बस ठीक है, धीरे बोलो, हमको पब्लिकली बताना नहीं है. चलिए सुनिएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है? बिजनेस तक बंद कराए जाते हैं. क्या हो रहा है? There are so many regulations related to the how many employees are to be managed, how product should be manufactured. ठीक है, कैसे बनाया जाएगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड्स क्या होगा. अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है तो ऑफकोर्स फसाई के प्रोडक्ट्स, ऑफकोर्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना जरूरी है उसके अथॉरिटी के साथ में. क्या हो रहा है? हाउ बाइंग एंड सेलिंग शुड बी डन. ऑलराइट, अब जैसे मान लीजिएगा कोई डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक देना पड़ता है ना, तो उसको कैसे दिया जाएगा, कैसे सेल किया जा सकता है, किस प्लेटफॉर्म में जा सकता है, क्या प्राइजेस होंगी, सारी एस्पेक्ट्स आ जाएंगी. हाउ द बिजनेस शुड बी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, लाइक CSR कितना करना है, अगर उसमें मैंडेटरी हो जाएगा ऑफकोर्स. ऑबिंग दैम ऑल इज आज ग्रेटर चैलेंज, बट इफ अचीव द रिवॉर्ड इज रिड्यूस बाय द फाइन. ऑफकोर्स अगर आप कर लेते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपको फाइन पे नहीं करना पड़ेगा. अच्छा फिर फाइन पे नहीं करना सिर्फ एक बात यही नहीं है, पब्लिक इमेज भी बनता है ना, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अच्छा आता है बिजनेस के अंदर. कंपैरेटिव एडवांटेज टू द बिजनेस, पहला कहता हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन, सेकंड डिस्कस किया हम लोग, रिड्यूस द लीगल पेनल्टीज एंड फाइंस, थर्ड क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज. द बिजनेस व्हिच फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो हैज स्ट्रिक्ट इंटरनल पॉलिसीज, also has strict internal policies, have comparative advantage over the businesses which have not complied with the requirement timely. The government authorities, stakeholders, employees, customers are attracted to the businesses which strictly follow the compliances and prevent a kind of improper and unethical behavior. Achha, ek baat socho, external compliances ko follow karna hai, to pehle internal compliance achha hona zaruri hai. Nahi aaya. मान लीजिएगा आपको ये तो कहते हैं कि एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये फॉलो करने पड़ेंगे, बट पता लगा कंपनी का इंटरनल, जो इंटरनली अगर देखा जाए इंटरनल पॉलिसी ऐसी है वो बहुत वीक है ना. तो एम्प्लॉई तो है, अब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, तो वो तभी तो करेगा और उसको इसलिए काम के लिए मोटिवेट किया जाएगा. तो जब प्रॉपरली मोटिवेट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, कंप्लायंसेस में ऑफकोर्स ध्यान देगा, उसकी ड्यूटीज उसे पता होनी चाहिए. तो दोनों चीजें की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. बेटर पब्लिक रिलेशन, ऑफकोर्स the success of the business depends on a lot its public image. When an organization start facing court cases or and a government intervention, the markets and the customers starting losing their trust. Like the example of Kingfisher. Kingfisher case mein aisa hua. Yes Bank. Punjab National Bank ka bhi hal aisa hi tha beech mein. Yaad rakhiyega, baad mein improve hua hai. PNB ka jab ghotala pakadne aaye the wo. PNB ka matlab Nirav Modi wala. Batane ke liye bol rahe hain. Alright. चलिए क्लियर एकदम यहां तक. तो चार पॉइंट्स पे भी एक बेटा क्वेश्चन बन सकता है आपके 4 मार्क्स के लिए. अब अगर टाइप ऑफ कंप्लायंस की बात करूं, मैंने आपको पहले यही डिस्कस किया था सबसे पहले कि दो तरह के कंप्लायंस हैं, एक तो एक्सटर्नल कंप्लायंस, एक इंटरनल कंप्लायंस. एक्सटर्नल कंप्लायंस का मतलब जो कि रूल्स रेगुलेशंस याद रखे गवर्नमेंट अथॉरिटीज बनाती हैं वो फॉलो करना पड़ेगा. जैसे एक्सटर्नल कंप्लायंस रेफर्स टू द फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स सेट बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड टू अवॉइड एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. These laws are made to help an organization build a public relation trust to being transparent to business. It does. भाई आपसे आपकी कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा, कहा जाता है कि आप इन्हें अपलोड कीजिएगा एमसी की वेबसाइट पे, जो क्या होता है पब्लिक डोमेन में जाते हैं, क्या बन जाते हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट. इसका बेनिफिट क्या है, दुनिया को दिखाना क्या है, ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में, ट्रांसपेरेंसी. अगर कोई लिस्टेड कंपनी से बोला गया क्वार्टर कंप्लायंसेस कीजिए, क्यों, ट्रांसपेरेंसी, बात पकड़ में आ रहा है. तो ये मैंडेटरी है. Compiling with all laws ensured any unnecessary duplication of efforts of resources. Some of the broad क्या कौन से हैं, company law है, labor law है, tax law है, environmental laws हैं. ये सारे सारे हम लोग किस लिए यूजली देखा जाए majority ये जो laws हैं जो apply होते हैं हर एक company पे, उनके अलग से जो है ठीक है industry specific हैं वो तो अलग apply होंगे, पर ये apply होते हैं usually अपने ही हैं, ठीक है. इंटरनल जो है जो कंपनी का खुद का कंट्रोल में है, मतलब कंपनी बनाता है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो सेट करता है. इंटरनल कंप्लायंस मींस इंटरनल डिजाइन सेट ऑफ रूल्स, इंटरनल डिजाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड रेगुलेशंस व्हिच द ओनर एम्प्लॉय ट्रेडर कस्टमर फॉलो टू मेंटेन इट्स इक्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. कौन फॉलो करता है उसको, उसका ओनर. हाँ बेटा ओनर एम्प्लॉय चेक करो होगा, पीछे होगा,
है ना। चलो ऑनर एम्प्लॉय ट्रेडर कस्टमर, ठीक है, जब वो अपना प्रोडक्ट में सर्विस में डील करता है तो वो लोग फॉलो करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन विल कंपाइल, जैसे अभी बताया नहीं था तुमको, अब कोई क्वालिटी वाइज कोई इश्यूज है किसी कस्टमर को लगता है तो वो ऑफकोर्स अप्रोच कर सकता है। ट्रेडर को लगता है कि यार हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट आया प्रोडक्ट में तो 2% का रिबेट देना पड़ेगा आपको आपका प्राइस के ऊपर, या ये इसको रिफंड कर जाएगा, या एक पेमेंट आपको टाइम पीरियड में करना पड़ेगा, पेमेंट साइकिल क्या रहेगा, वो सारी एस्पेक्ट्स कैसे ही हैं कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज में। नाउ ऑर्गेनाइजेशन विल कंपाइल विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स ओनली व्हेन इट इज वर्किंग इन अ लाइन विद द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये सही बात है, जब वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहा होगा तभी वो अपनी एक्सटर्नल गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो कर पाएगा। इंटरनली अगर कोई चीज मैंने देनी है तो एक्सटर्नल लॉस को कैसे फॉलो करोगे, बात पकड़ में आ रहा है ना। कौन कौन से कैटेगरीज हैं, अब कहता है इनका बेनिफिट क्या होगा, प्रिवेंटिव पॉलिसीज ताकि नॉन कंप्लायंसेस को टाइमली रोका जा सके, नहीं कहता है डिटेक्टिव कंट्रोल्स फाइंड आउट किया जाएगा कि जहां पर नॉन कंप्लायंसेस हैं, एंड करेक्टिव प्रोसेसेस और बाद में हम ये देख सकें कि कहां पर कैसे उनको याद रखिएगा जो नॉन कंप्लायंसेस हो गए हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, दोनों एक साथ चलेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल चलेगा। जैसे कंपनी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट, ये एग्जांपल बता रहा हूं ध्यान सुनना, कंपनी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट है, अब वो प्रॉपर ना कैशबुक को अपने और क्या देखिए बैंक अकाउंट को रिकंसिलेशन टाइमली करता है, तो जब याद देखिएगा ये तो इंटरनल पॉलिसीज में लिखा हुआ है कि इसकी मान लीजिएगा एवरी मंथ उसको रिकंसिलेशन करना है कैशबुक को और बैंक के बैंक स्टेटमेंट को कंपनी के, वो रिकंसिलेशन करना है उसको एवरी मंथ, अच्छा वो एवरी मंथ उसको रिपोर्ट करेगा। अब जब स्टैचुरी ऑडिटर इस पर द कंपनीज एक्ट याद रखिएगा, जब ऑडिट करेगा तो वो एक्सटर्नली यानी कि बाउंड है एक्सटर्नल कंप्लायंसेस की वजह से, तो जब वो करेगा तो वो क्या करेगा, इन्हीं को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेगा। तो एक तो वो इंटरनल जो कि कंपनी का अकाउंटेंट कर रहा है, एक है एक्सटर्नल जो कंपनी से स्टैचुरी ऑल्टर कर रहा है। एन एग्जांपल टू इंटरनल कंप्लायंस इज व्हेन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स फॉलो द कंपनी पॉलिसी एंड रिकंसिलाइज कैश एंड बैंक अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ एंड रिपोर्ट टू द इंटरनल ऑडिटर। एग्जाम्पल टू एक्सटर्नल कंप्लायंस इज व्हेन स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज डन बाय द ड्यू डेट प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट। ये क्या होगा, एक्सटर्नल कंप्लायंस। ऐसे भी बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं जो इंटरनल है फिर एक्सटर्नल है, बात पकड़ में आ रहा है डाउट। तो बेटा यहां मैं आपको बता दूं दो क्वेश्चन जो है, एक तो हमने जो डिस्कस किया टाइप ऑफ कंप्लायंस एक्ट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आ सकता है, नहीं तो आज तो याद आपको याद तो रखना ही है, दो बन सकते हैं, एक जैसे मैंने बोला, एक हमको क्वेश्चन जो लग रहा है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पर, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, और दूसरा ले सकते हैं हम लोग नीड। नीड यहां पर उसको बेनिफिट्स के फॉर्म से भी फॉर्म से बोला है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग नेक्स्ट सेशन रेडी हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट।